जी नियाग्रा फॉल के ब्यूटीफुल मिस। ये रेनबो ब्रिज इसीलिए बोला जाता है कि यहाँ रेनबो बहुत फ्रीक्वेंटली बन जाता है, यहाँ शानदार मिस्ट है। ये जिप लाइन है जी, इसे मेरे ख्याल बोलते हैं क्लिफ्टन हिल। यहाँ पे हमने जब वेगो वाली बस हमने ट्रेन स्टेशन से ली थी, यहाँ उतारा था। ये है जी नियाग्रा रिवर और नीचे जा रहा है ये फॉल। नियाग्रा फॉल्स के बिल्कुल अपोजिट रोड पे ये है रेस्टोरेंट, विक्टोरिया रेस्टोरेंट। तो मैं यहाँ इसके ऊपर आया हूँ और नीचे इसके टिम हॉर्टन का रेस्टोरेंट है। ये मैंने चाय तो ले ली, पर मैं यहाँ पर ये सिर्फ वीडियो बनाने के लिए ऊपर आया हुआ हूँ। मैं ये नियाग्रा फॉल के मैं बिल्कुल सामने खड़ा हुआ हूँ। ये मेरे पीछे है जी रेनबो ब्रिज, ये कनाडा है, उधर यूएसए है। ये हॉर्सशू फॉल है, मैं नीचे जाके भी बनाऊंगा, लेकिन ऊपर से ये जो नियाग्रा रिवर है इसके व्यूज बड़े जबरदस्त नज़र आ रहे हैं। ये सब जो है यूएसए वाला पार्ट है, लेकिन ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो हॉर्सशू फॉल ये वाला है और ये वाली चीज़ जो है जी, ये यूएसए से जो विजिटर है वे इधर आए हुए हैं, लेकिन उनको मिस फॉर्चून ये रहता है कि यहाँ ये जो चीज़ है ना ये ज़्यादा नज़र नहीं आती, कनाडा वाली साइड से ये ज़्यादा अच्छी नज़र आती है। तो मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्यूरियोसिटी मैं कोशिश करता हूँ जाने की यूएसए में भी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ये है जी हमारी मेम साहब नियाग्रा फॉल के सामने, ये है अमेरिकन फॉल्स और ये है हॉर्सशू फॉल्स। और पिछले साल तो मैं गया था, ये जो फेरी है मेड ऑफ द मिस्ट बोलते हैं इसके ऊपर, आज मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैंने ऊपर से भी जो रेस्टोरेंट है उसके ऊपर से बनाई है, ये है नियाग्रा रिवर और उधर पीछे से ये अलग हो जाती होगी और इसमें ये जो अमेरिकन फॉल बन गया है। ये मैं अपनी शक्ल भी दिखला दूं जी नियाग्रा फॉल के सामने, और ये पीछे के व्यूज़ हैं। अभी मैं ऊपर जाने की कोशिश करता हूँ। ये अब हम जा रहे हैं जी इसके साथ साथ ही नियाग्रा रिवर के साथ साथ उस कोने तक जाएंगे, और ये एक वॉक जो है बड़ी ही शानदार है। ये सब फोटो शूट हो रहे हैं, आ जाओ आ जाओ, स्टिल फोटो खींच दीजिए, चलो खींच देने हैं, इधर नहीं आएगी उधर अच्छी आएगी। ये मैडम हमारी कह रही थी कि स्टिल फोटो भी खींचो, वीडियो तो बनाते रहते हो, तो अब हम किसी को बोल के अपनी स्टिल फोटो भी खींचने की चेष्टा करते हैं। ये एक टनल बनी हुई है जी, जो कि ये नियाग्रा फॉल के नीचे से इसके बेस तक लेके जाती है, मैं वहाँ भी जाने की कोशिश करता हूँ इसके बाद। ये मिस जो है यहाँ तक आ रही है, मुझे ये डर है कि कहीं फ़ोन ही ना ख़राब हो जाए। ये है जी इसके सराउंडिंग व्यूज, एक्सेलेंट। ये है जी वेलकम सेंटर नियाग्रा फॉल के साथ, और ये अब मैं जा रहा हूँ बिल्कुल नज़दीक। ये है जी मिस्ट, अरे यार क्या चीज़ है ये, अरे देखो ये रेनबो ब्रिज इसीलिए बोला जाता है कि यहाँ रेनबो बहुत फ्रीक्वेंटली बन जाते हैं। सॉरी, ये मैं लकी हूँ कि यहाँ ये रेनबो भी बन गया है। ये पीछे रेनबो ब्रिज है, इधर ये रेनबो है, क्योंकि ये मिस्ट होती है ना उसकी वजह से ये फ्रीक्वेंटली रेनबो ब्रिज बनता है। वाओ, ये है जी नियाग्रा फॉल की ब्यूटीफुल मिस्ट। ये दुनिया में बहुत कम ऐसी साइट्स हैं जो
जो कि देखने को मिलती हैं। ये जो 10 जो बकेट लिस्ट में नाम आते हैं उसमें से ये नियाग्रा फॉल का भी आता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा फॉल है। तो ये मैं पहले भी कई दफ़ा कब दिखा चुका हूँ। ये मेड ऑफ द मिस्ट जो है ये कनाडा वाली साइड की बोट है। ये अब हम वहाँ से वॉक करके आ गए हैं जी ये अमेरिकन फॉल तक। तो ये जिप लाइन है तो जाते हैं लोग। मेरा भी एक दफ़ा दिल हुआ था जाने का पर मैं कहा छोड़ यार यहाँ से तो वहाँ जाना है वैसे इन्होंने बोट ले लेने हैं और कुछ उम्र का भी ध्यान करना चाहिए। ये जिप लाइन है जी जा रही है जनता। यहाँ जो मेड ऑफ द मिस्ट जो फेरी है या बोट है उसकी टिकट्स मिलती हैं यहाँ पे। यहाँ से नीचे जाते हैं जी। पिछली दफ़ा हम यहीं से नीचे गए थे लिफ्ट लगी और लिफ्ट के नीचे जाके यहाँ पे फेरी लेनी पड़ती है। हाथ रहे जी है जी। हम घूम के आ गए जी कनाडा से अमेरिका और अमेरिका से फिर बैक टू कनाडा। और अब मैं यहाँ 10 मिनट के लिए ये जो शॉपिंग सेंटर है वो भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है यहाँ मैं आपको लेके जाऊँगा। ये जी मेरा बैग जो है इधर उधर हुए जा रहा है। ये सब जो बच्चों की गेम्स हैं ये क्योंकि ये विजिटर ज़्यादा आते हैं और बच्चे भी ज़्यादा आते हैं यहाँ आगरे ब्रिवरी। ये सब बच्चों के राइट वह रही हैं इसमें। कैनेडियन मिडवे बोस्टन ताज़ा ये सब जी इसके साथ साथ ही जो है ये मेरे बैग जो है उठाने में मुझे मुश्किल आ रही है। काफ़ी सामान रखा हुआ है और ये हम वैक्स म्यूजियम ऑफ द स्टार्स ये फन हाउस बच्चों के लिए कैनेडियन मिडवे। ये मैं पैदल राउंड ले रहा हूँ जी। ये जैसे हिल स्टेशन पे होता है ना एनवायरनमेंट बिल्कुल वैसा ही है। हंटेड हाउस ये हो ये सब बना ये मैं पैदल राउंड ले रहा हूँ। इसे मेरे ख्याल बोलते हैं क्लिफ्टन हिल। यहाँ पे थोड़ा घूम रहे हैं जी हम वापस जाने से पहले। स्काई व्हील जल्दी शॉप पे पहुंच जाओ टाइम थोड़े को काट है 15 मिनट पहले फोन के छोड़े। ये है जी हमारी मेन शॉप। ओए होए आगरा फॉल के बेस के ऊपर खड़ी हुई है।